हेलो गाइस, इस वीडियो में फिर से कुछ तूफानी करने वाले। जैसा कि हमारा चैनल है तूफान 720। और गाइस, आप सभी को पता है कि एक पेपर जो है ना वो 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं हो सकता, ये तो हम सभी को पता ही है। हाँ, तो गाइस ये जो पेपर है ये 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं हो सकता, पर आज हम इस चीज को गलत साबित करने वाले हैं। आज हम पेपर को 7 बार से ज्यादा फोल्ड करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं होता है या नहीं। तो गाइज, एक पेपर को इतनी बार फोल्ड करना तो मुश्किल है बहुत ज्यादा, ये तो हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह से ही होगा। पर हम इतने सारे पेपर्स को जो है मिला के फिर एक बड़ा पेपर बना देंगे और फिर उसे 7 से ज्यादा बार फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो वो हम करते हैं। गाइज, हमने देख सकते हो इतना बड़ा पेपर बना दिया इतने छोटे छोटे पेपर से, ठीक है। तो अब देखना ये है कि क्या ये फोल्ड होता है या नहीं होता है। हमने देख सकते हो, देखो इतना बड़ा पेपर जो है बना लिया है, देख सकते हो कितना बड़ा पेपर इसे हमने बना लिया है। और अब हम देखेंगे कि क्या ये फोल्ड होता है या नहीं। तो एक बार फोल्ड हो चुका है, अब बारी आती है दूसरी बार की, ठीक है। दूसरी बार भी फोल्ड हो चुका है, अभी भी ये एक नॉर्मल पेपर के कंपैरिजन में देख सकते हो आप, यहाँ पे है ये नॉर्मल पेपर, इसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है। मुझे उम्मीद तो है कि ये हो जाएगा। अब हम फोल्ड करते हैं इसे तीसरी बार। देख सकते हो ये 8 टाइम भी फोल्ड हो चुका है। तो हाँ, ये बात तो सच है कि एक पेपर जो है वो 7 टाइम से ज्यादा बार फोल्ड हो सकता है अगर हम उसे इतना बड़ा कर दे तो। पर फिर भी एक अगर नॉर्मल पेपर 7 टाइम तक हो जाता है और इतना बड़ा पेपर करने के बाद भी वो 8 टाइम ही होता है, अब ये 9 टाइम नहीं होगा मुझे लगता है। तो बात तो सच है कि ये इतना बड़ा करने के बाद 7 टाइम से तो ज्यादा हो जाएगा, पर सिर्फ 8 टाइम, ठीक है। इतने ज्यादा बड़े स्केल पर अगर हम करेंगे तो सिर्फ ये 8 टाइम ही होगा, और अगर हमने 9 और 10 टाइम करना तो और भी ज्यादा बड़ा और पतला पेपर जो है चाहिए। तो गाइस, आपने देखा अगर हम इतने बड़े स्केल पर ये पेपर को फैला देते हैं तो वो 8 बार फोल्ड हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो में आया थोड़ा सा मजा तो लाइक करो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।